नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं राजधानी पटना की 15 बड़ी खबरों के साथ। एनआईटी पटना में पहली बार शुरू हो रही एमसीए की पढ़ाई। अशोक राजपथ स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पटना में पहली बार छात्र एमसीए की भी पढ़ाई कर पाएंगे। एनआईटी में एमसीए की पढ़ाई इस साल से नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। एनआईटी पटना में एमसीए की कुल 80 सीट है, जिनमें 40 सेल्फ फाइनेंस और 40 रेगुलर कोर्स के लिए है। जांच सैंपल में फूड वेंडर सहित मिठाई दुकान ऑन द स्पॉट फेल। फेस्टिवल सीजन में स्ट्रीट फूड को लेकर सेहत का बड़ा खतरा रहता है। इसको लेकर राजधानी पटना में सेहत की सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हुई है। ऐसे में कंकड़बाग में लैब ऑन व्हील के तहत 17 फूड वेंडरों के साथ मिठाई की दुकानों में जांच के लिए गए सैंपल में एल्युमिनियम पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि मलाही पकड़ी में भी सैंपल जांच के लिए लिया गया है। कई सैंपल ऑन स्पॉट जांच में फेल हो गए हैं। सहायक निदेशक संजय कुमार के ठिकानों पर ईओयू का छापा। खनन विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार के पास अकूत संपत्ति का पता चला, जिसके बाद बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने संजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में नोएडा में 2 फ्लैट, खेतान मार्केट में दुकान का स्वामित्व, इसके साथ ही सहायक निदेशक संजय कुमार और उनकी पत्नी के नाम से आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस एवं अन्य बैंकों में 16 बचत एवं 1 चालू खाता मिला है। आने वाले दिनों में पटना से परिवहन और भी होगा आसान। बिहार राज्य के परिवहन विकास में जल्द ही नया आयाम जुड़ने जा रहा है। बता दें कि बिहार राज्य के परिवहन मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर राजधानी पटना में बनने वाली सड़क पटना डोभी दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद पटना से गया जाना और भी आसान हो जाएगा। नैवेद्यम लड्डू की खुशबू अब विदेशों में भी फैलेगी। राजधानी पटना स्थित हनुमान मंदिर का प्रसिद्ध नैवेद्यम लड्डू की खुशबू अब विदेशों में भी बिखर रही है। बिहार के लोगों के लिए गौरवान्वित होने वाली खबर है कि इसकी प्रसिद्धि अफ्रीका देश केन्या तक पहुंच गई है। हनुमान मंदिर प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि अब केन्या की राजधानी नैरोबी के प्रसिद्ध श्री कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर में भी भगवान वेंकटेश को नैवेद्यम लड्डू का भोग लगाया जाएगा। पटना की रामलीला का दर्शन घर बैठे कीजिए। इस दशहरा में पटना के फेमस रामलीला का दर्शन घर बैठे ही करने का मौका मिल रहा है। इस रामलीला का आयोजन 14 अक्टूबर को महानवमी पर पटना के कालिदास रंगालय में किया जाएगा। बताते चले कि कोरोना संक्रमण का ख्याल रखते हुए ज्यादा भीड़ भाड़ लगाने और खुले मंच पर रामलीला का आयोजन करने की इजाजत नहीं है, इसलिए इस बार इस आयोजन का प्रसारण आम लोगों के लिए फेसबुक पर लाइव किया जाएगा। साथ ही लिंक के माध्यम से भी लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं। जारी हुआ पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल। पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वालों के लिए एक अहम सूचना है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने अक्टूबर महीने के लिए विंटर शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक 5 एयरलाइंस कंपनियों की ओर से अलग अलग शहरों में आने जाने वाले विमानों की लिस्ट जारी है। इसके अनुसार पटना से सबसे अधिक 26 फ्लाइट्स इंडिगो की है, जबकि विस्तारा की सबसे कम 2 फ्लाइट्स हैं। वहीं स्पाइस जेट की 15 फ्लाइट्स पटना से विभिन्न शहरों के लिए होगी। गो एयर की 7 फ्लाइट्स हैं, तो वहीं एयर इंडिया की पटना से मुंबई, दिल्ली, अमृतसर और कोलकाता के लिए फ्लाइट मौजूद रहेगी। पटना जिला क्रिकेट संघ में चल रही है खींचतान। पटना के जिला क्रिकेट संघ में इन दिनों पूर्व अधिकारियों के बीच आपसी मतभेद चल रही है। इस मामले में संघ के पूर्व संयुक्त सचिव अरुण कुमार सिंह का कहना है कि संघ के पूर्व सचिव के द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना की जा रही है। ऐसे में संघ बीसीए से अपनी सदस्यता खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सचिव के द्वारा बुलाया गया मीटिंग वैध नहीं माना जा सकता है। साथ ही उन्होंने संघ के लोगों से अपील किया है कि पिछले 13 सालों से लंबित संघ के अधिकारियों के चुनाव को जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। पटना में 100 से ज्यादा अपार्टमेंटों का अटका पड़ा है निबंधन। आवास बोर्ड के एक नए नोटिफिकेशन के कारण साल 2019 से ही पटना के सैकड़ों फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन होने का रास्ता रुका हुआ है। दरअसल आवास बोर्ड ने अपने 50 से 60 साल पहले जारी अधिग्रहित जमीन के लिए नोटिफिकेशन को आधार बनाया है, जिस कारण से आधा दर्जन मोहल्ले के 100 से ज्यादा अपार्टमेंट्स और सैकड़ों प्लॉट का निबंधन नहीं हो पा रहा है। इस मामले में पटना जिला निबंधन कार्यालय ने डीएम की तरफ से बोर्ड को पत्र भेजा था, लेकिन अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की जमकर की 32 साल पुराने अपहरण के केस में 5 महीने बाद जेल से निकले पप्पू यादव को कांग्रेस पसंद आने लगी है। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस से ही देश को बचा सकती है, उसकी आइडियोलॉजी सबसे बेहतर है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छे हैं, वह जाति धर्म से ऊपर काम करते हैं, पता नहीं किस मजबूरी में वह बीजेपी के साथ है।
अतिक्रमण हटाने के दरमियान पुलिस की लाठीचार्ज में चाय वाले की गई जान। मंगलवार की देर शाम पटना के मलाही पकड़ी इलाके में अतिक्रमण हटाने के दरमियान पुलिस के अंधाधुंध लाठीचार्ज में जिस चाय दुकानदार का सिर फट गया था, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद बुधवार को लोगों ने इस इलाके में जमकर हंगामा और आगजनी की। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और सड़क जाम कर दिया। पटना और दरभंगा से पुणे के बीच 14 दिन रद्द रहेंगी उड़ानें। विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना, अगर आप भी पटना और दरभंगा से पुणे के बीच सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है, क्योंकि पटना और दरभंगा से पुणे के बीच अगले 14 दिनों तक उड़ान सेवा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। यानी कि पटना से पुणे के बीच उड़ान भरने वाली दोनों फ्लाइट 16 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। ज्ञात हो पुणे एयरपोर्ट के रनवे के सतह की मरम्मत होने की वजह से विमानों को रद्द कर दिया गया है। छात्रों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन हुई सख्त। कोरोना के मामलों में गिरावट आता देख बिहार के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि स्कूलों में छुट्टी और लंच ब्रेक में छात्रों की भीड़ से प्रशासन परेशान हो गया है। इसके रोकथाम को लेकर ही प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने स्कूलों में छुट्टी एवं टिफिन के समय छात्र छात्राओं की भीड़ को रेगुलेट करने के लिए पटना प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि टिफिन के समय स्कूल कैंपस में भीड़ इकट्ठा न हो और एक साथ सभी बच्चों को छुट्टी न दिया जाए और 10 से 15 मिनट के अंतराल पर आधे आधे छात्र छात्राओं की छुट्टी करें। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज राजधानी पटना के मौसम का हाल। बिहार के कई जिलों में बारिश की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में राजधानी पटना को लेकर भी पटना मौसम विभाग ने अपना अपडेट जारी किया है, जिसके तहत आज मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज राजधानी पटना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, साथ ही दोपहर में धूप का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,950 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,130 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 92 पैसे था। इसके साथ ही डीजल के दाम 97 रुपए 88 पैसे था। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। राजधानी पटना में आपका पसंदीदा पर्यटक स्थल कौन सा है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।